तो कैसे दोस्तों, आप सभी का सबसे किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है गैजेट्स के ऊपर, जो कि एक स्टूडियो सेटअप आप करते हो, या तो आप यूट्यूब का स्टूडियो सेटअप कर रहे हो या फिर आप टिकटॉक का किसी भी चीज़ का कर रहे हो, तो उन सभी चीज़ों के अंदर ये इन गैजेट की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर होने वाली है रिंग लाइट हो गई, ट्राइपॉड हो गया, ग्रीन स्क्रीन हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से खरीदी, आप कहाँ से परचेज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा, और कितने कितने प्राइस की खरीदी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक, ठीक है। बाकी वीडियो में जो गैजेट्स दिखा रहा हूँ उन्हीं पे ध्यान देना, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत देना। घर सबका ही ऐसे बिखरा रहता है, अभी स्टूडियो मेरा बना नहीं है फिलहाल, मैं अभी सामान लेके आया हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। क्या आया था, दो रिंग लाइट, जैसे कि आप देख सकते हो, सिम्पेक्स की 18 इंच की रिंग लाइट है, एक और दो। इसमें से एक मैंने खोल ली, आप देख सकते हो उस तरफ, और उसके साथ ये स्टैंड भी, आप चाहो तो स्टैंड के साथ भी ले सकते हो, अलग से भी ले सकते हो। कोई किसी की रिंग लाइट टूट जाती है तो सिर्फ रिंग लाइट ले सकता है। ऑनलाइन मिलती है 4000 की, 3500 के, 3600 रुपये के आसपास। साथ में लेके आया था ट्राईपोड, एक वो ट्राईपोड, दो ग्रीन स्क्रीन, ये है 8x12 की, और अपने लिए एक मेमोरी कार्ड मैं दिखा देता हूँ, जो मेरे कैमरे में लगता है, DSLR में, अभी मैं फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो। और पहले का ट्राईपोड मेरे पास ये वाला है, और ये है पूरी, अगर हम उस लाइट को खोल लेते हैं तो ये स्टैंड निकलता है उसमें से, और ये है पूरी रिंग लाइट। इसकी लाइटिंग वगैरह भी दिखाऊंगा किस तरीके से होने वाली है, और इसको आप कैसे लगा सकते हो वो भी बता दूंगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप चाहो तो अलग से बैटरीज भी ले सकते हो, दोनों तरफ बैटरी लगा सकते हो इसमें, लाइट वगैरह नहीं है उसमें, आपको काम देगी, बिजली नहीं है जहाँ पे, कहीं आउटडोर वगैरह कहीं भी शूट करना चाहते हो, नाइट का शूट करना चाहते हो, तो इसमें बैटरी लगा के आप चला सकते हो। सेकेंड थिंग, इसमें कलर चेंजेस का ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक माउंट एक्स्ट्रा लगा सकते हो, और ये उसके साथ में फ्री आता है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इसमें अपना फ़ोन लगाओ, लाइट लगाओ, या यहाँ पे लाइट लगाओ, प्लस एक्स्ट्रा लाइट चाहिए हो या फिर दो फोन चाहिए हो कुछ भी, या माइक लगाना हो, मतलब एक्स्ट्रा पोर्ट इन्होंने दिया है। यहाँ पे अपने सिंपल सा पावर का ये तार लगेगा, ये तार इसी के साथ आया है, ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, बहुत सिंपल है। साथ में ये आता है ट्राईपोर्ट, ये स्टैंड कह सकते हो आप, ट्राईपोड गलती से बोल दिया मैंने, इसका स्टैंड आता है, तो इसकी लेंथ और बढ़ सकती है, अभी इसकी लेंथ लगभग है 5 फुट के आसपास, आप इससे ऊपर भी इसको बना सकते हो। ये तो नॉर्मल ट्राईपोड है, पहले की मैंने वीडियो बना रखी है, 1200 रुपये का था ये, और ये कूचा चौधरी मार्केट से लाया था मैं, इसका मॉडल नंबर भी इधर लिखा होगा, 1200, ठीक है। तो इसको अभी साइड में करते हैं, ये तो मैंने वैसे ही निकाल लिया था, दो रिंग लाइट है। अब मैं इस ओपन करके दिखाऊंगा किस तरीके से पैकिंग आती है, आप किसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, वैसे बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, जैसे कि आप इस नट को खोलोगे, इस नट को लूज करोगे, मैं दिखा देता हूँ, रिस्क का काम है क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है, तो ये हिलने लगी, ये हिलने लगी, तो मैंने इस नट को खोला है, और ये अपना ऊपर ऐसे कैसे निकल जाएगी, बस ये लाइट अलग से उस बॉक्स के अंदर ऐसे कैसे होती है, साथ में ये माउंट अलग से पड़ा होता है, ये पूरा होता है, देख लो पीछे मैंने वायर लगाया, इसको बस इस स्टैंड के अंदर डाला है, और इस नट को मैंने टाइट कर दिया है, ये वाला नट है जो, बाकी ये साइड में दे रखा है, इसको यूं आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे करनी हो उसके लिए। तो मैं वापस इसको लगा देता हूँ, अच्छे से आपको बताऊँगा फिर, फिलहाल इसको मैं फिक्स कर देता हूँ क्योंकि मेन लाइट ही है। तो दोस्तों मैंने इसको फिक्स कर दिया है, अब ये वाली चीज़ है ना, ये इसको यूं आगे झुकाने और ऊपर पीछे करने के लिए होती है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि एक हाथ से वेट संभलेगा नहीं और ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हो और 360 इसको रोटेट भी कर सकते हो, तो ये अच्छा वाला माउंट दिया इन्होंने, ये निकल जाएगा, और ऊपर से आप इसको यहाँ से घुमाओगे तो ये 360 रोटेट भी हो जाएगा, इधर ऊपर नीचे, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके साथ आया ये। अब दिक्कत क्या है, अगर आप इसको यूं लगाते हो तो इसमें आप ऐसे फ़ोन लगा सकते हो, मतलब आप यूट्यूब की वीडियो के लिए, टिकटॉक की वीडियो के लिए लंबा फ़ोन कैसे लगाओगे, तो इसको एडजस्टेबल दिया, इसको ये पूरा यूं हो जाएगा, ये रोटेट होता है जैसे मैंने बताया था, ये देखो ये पूरा रोटेट हो गया है, तो रोटेट हो गया है, तो इसको यहाँ लगाओगे, हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था रोटेट हो सकता है। अब इसमें फ़ोन आप लंबा करके लगा सकते हो और यूं करोगे तो स्लांट लग जाएगा, मतलब आप यूट्यूब की बनानी है तो इसको यूं सीधा कर लीजिए और टिकटॉक की बनानी है तो इसको टेढ़ा कर लीजिए, जैसे कि मैंने भी करके दिखाया था, ये देखिए
तो ये रोटेटेबल है और यहाँ से इसको टाइट कर दीजिए, टाइट हो जाएगा ये। अब ये लूज कर रखा मैंने आपको दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ ये माउंट मिल जाता है। अदरवाइज आप चाहो तो अलग से माउंट भी ले सकते हो, मैं अलग से भी माउंट लेके आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से माउंट लेके आया था। एक माउंट में लेके आया था ये वाला। अब ये वाला माउंट क्या है, ये खुद से ही रोटेट हो जाता है, इसी को ऊपर से कैसे मर्जी रोटेट कर लो। मतलब मैं इसमें यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले माउंट को ही मैं सर्कल घुमा के रोटेट कर सकता हूँ। मतलब मेरा एक ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये रुकेगा नहीं, मैं साइड से ही इसको लगा के इसी को रोटेट कर सकता हूँ, तो मेरा एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ पे मैं माइक वगैरह कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप अलग से ले सकते हो। ये मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूँ, ये मुझे मिला है वहाँ से 300 रुपये का। ठीक है, ये डबल रोटेट वाला, वैसे भी नट से खुलता है, ऐसे खींचने वाला नहीं है, वो तो सबसे बकवास लगता है और वो लेना भी नहीं चाहिए, आपका फ़ोन डैमेज होता है उससे और गिर भी जाता है। ठीक है, ये सिर्फ ये है 300 रुपये का, वो भी कुचा चौधरी मार्केट से। और एक और मैं माउंट लेके आया अलग से DSLR रोटेट करने के लिए, हैवी है ये, इस पर आप DSLR माउंट कर सकते हो, 360 पे रोटेट कर सकते हो। और ये लगता है अपना ट्राईपोड में, ये इस पर नहीं लगेगा ये, क्योंकि ट्राईपोड का है। ठीक है, ट्राईपोड इस पर लग जाएगा, ये ट्राईपोड पे। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पड़ा इसका माउंट, आप इसके ऊपर ईजिली इसको लगा सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो ये ट्राईपोड पे लगता है, 360 अपना DSLR इस पर रोटेट हो जाएगा। ये मात्र आता है वहाँ से 150 रुपये का। तो पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हो ऑनलाइन ये गैजेट्स आपको महंगे मिलते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कुचा चौधरी मार्केट जा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लाइट इसको उठाया था तो वो पॉइंट आता है ना, उस पॉइंट को इस डब्बी से कवर किया जाता है, जिससे डस्ट जंग वगैरह ना लगे। पता नहीं एल्यूमिनियम है लोहा है क्या है, डब्बी लगी हुई आई थी, डब्बी लगा देना। वैसे तो एक बार ही आपने सेटअप कर दिया तो आप इसको बार बार हिलाओगे नहीं, क्योंकि सेटअप होते हैं इसलिए कि इसको बार बार ना हिलाना पड़े। अब मैं आपको दिखाऊंगा, फ़ोन को मैं लगा देता हूँ अपना ट्राईपोड में, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसकी लेंथ कितनी होती है और कितना इसका साइज़ है, ताकि मैं हाथ में लूँगा तो आपको पता लगेगा इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हो, ये भी एक माउंट मैं पहले लेके आया था, जब ये ट्राईपोड खरीदा था मैंने। ये ट्राईपोड मैंने आपको बताई दिया 1200 का लिया था, तभी ये माउंट लेके आया था, ये मुझे मिला था 200 रुपये का। अब मैं इसको यूज़ तो कर रहा था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वीडियो शूट हो सकती है, लंबे फ़ोन इसमें लग नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे कैसे लग जाता है, ये यू रोटेट ही नहीं होता। तो रोटेट वाला मैंने आपको बता दिया 150 रुपये का आता है, वो आप ले सकते हो, प्लस ये ले सकते हो 300 रुपये का, सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं। अब आप इसमें चाहे ऐसे लगाओ फ़ोन, चाहे ऐसे लगाओ, चाहे लंबा लगाओ, चाहे आड़े लगाओ, कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 300 रुपये का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये ज़्यादा बेटर है। बाकी देखो, मैं हमेशा चूड़ी कसने वाली ही चीज़ पसंद करता हूँ, खींचने वाली नहीं, उससे आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है। इतने हज़ारों का फ़ोन आप लेते हो, 100-200 की चीज़ के पीछे आपकी चीज़ ख़राब होती है। अब मैं इसमें अपना फ़ोन लगा देता हूँ, तो अपना फ़ोन लगेगा किस तरीके से बताओ जल्दी यूट्यूब वालों, ऐसे तो अपना फ़ोन लगेगा ऐसे, तो लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने लगा दिया है, अभी मैं अपना DSLR नहीं लेके आया था, फ़ोन से ही बना रहा हूँ, DSLR नीचे रखा है। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना बॉक्स है, देखो कितना बड़ा साइज है रिंग का बॉक्स। इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिला था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बॉक्स में सबसे पहले आता है ये बैग। ठीक है, इस बैग को हम खोलते हैं, और ये बैग भी ऐसा वैसा नहीं बना हुआ, सिर्फ ये पन्नी नहीं है, इसमें फोम लगी हुई है, तो ये चीज अच्छी है। कैरी बैग दे दिया इन्होंने, कहीं जाती है तो, जिससे हमारी लाइट को नुकसान ना हो। सेकंड, ये पॉली दिख रही है छोटी, इसमें आया था वो माउंट जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। बाकी दैट्स इट, कुछ नहीं आता इसके अंदर। एक अपना अलग से जो स्टैंड है, आप चाहो तो उसी में इंक्लूड करके ले सकते हो, अलग से ले सकते हो। और ये हैवी है, मतलब जो मेरा ट्राईपोड जिसपे भी फ़ोन लगा हुआ है उससे भी हैवी है ये, और ये हैवी होना ज़रूरी है, तभी इतनी बड़ी लाइट उस पर रुक सकती है। अब मैं आपको बात करूं तो ये कम से कम नहीं, तो इसकी हाइट 6 फुट हो जाती है इजीली, 6 फुट हाइट इसकी हो जाती है। तो अब मैं इसकी पैकिंग खोलूं या नहीं खोलूं, कहां से खुलेगी, टेप लग रही है, चलो टेप वापस लगा देंगे, क्योंकि मैं दो सेट लेके आया हूं, मुझे एक ही सेट की नीड है।
एक सेट मेरे फ्रेंड ने मंगाया, जैसे आपको पता लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो जितना हम अवॉइड करेंगे उतना ही बढ़िया है। तो ये है सेट, अब देखो हैवी तो है ही, इसमें है तीन लॉक और वही डब्बी। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि डब्बी लगी होती है तो ये कवर करना बहुत जरूरी है जब आप हटाते हो, ठीक है। चूड़ी वगैरह होती है इसमें, ये खराब नहीं होती, शुक्र है मैं हट गया था साइड में। इतना प्रेशर करके इसको बंद किया गया था, शुक्र है मैं साइड में था, क्योंकि इसको खोलते ही इतनी तेज प्रेशर करा है, अगर मैं यू कर रहा होता तो मेरा दांत या नाक वाक टूट चुकी होती। आपने देखा था कितनी तेज प्रेशर किया था इसने, ऐसे बाउंस किया था एकदम से ऐसे। तो इसमें गैस, ये देखो सेकंड प्रेशर। तो ये चीज का ध्यान रखना, अब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो आपको पता लग गया ये फर्स्ट हाइट होते ही ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1 मीटर से जरा से छोटी है फर्स्ट हाइट, इस कैमरे में भी नहीं आ रही, फर्स्ट हाइट है ये। सेकेंड हाइट मैं तो कह रहा था 6 फुट, आप मेरी लेंथ लगा दे 5-8 मेरी लेंथ है, तो ये तो 6.5 फुट 7 इंच जाएगा। अभी एक लॉक बाकी है, दो ही खुले हैं मेरे, लगना जाए यार। छत बच गया ऊपर, छत बचाओ, शायद इतना ही खुलेगा या तीसरा लॉक भी खुलेगा, खुलता कैसे है, पंखे के लग गया भाई ये। 10-11 फुट हाइट है और पंखे पर टच हो गया जाके। दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप इस स्टैंड को खोलते हुए ये गलतियां मत करना। एक तो इसका वेट ज्यादा है, सेकंड थिंग इसको आप खोल रहे हो तो इसका मुंह के ऊपर मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें मुझे पता लगी। फर्स्ट स्टैंड मेरे भाई ने खोला था तो इसलिए मुझे भी अंदाजा नहीं था, अब मैं सेकंड स्टैंड खोला था मुझे ये चीजें पता लगी और उसने मुझे बताया नहीं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इसको जैसे खोलोगे तो ये प्रेशर से ऊपर भागेगा, ये देखो ये बहुत तेज मुंह पे लग सकता है क्योंकि ये हैवी है, ठीक है। इसको दबा के फिर ये बंद करना है, ये लॉक है, ये लॉक है, सेकेंड लॉक है, ये भी प्रेशर से भागेगा, ये थर्ड लॉक है, तीन लॉक है इसके अंदर। और नीचे से देखो ये इस तरीके से है, ये पकड़ के बाहर निकलेंगे, ठीक है। इस तरीके से अंदर से प्रेशर करना है आपको, अंदर से प्रेशर करोगे तो ये हल्का सा बाहर निकलेगा, इसको पकड़ के खोलना है, इसको भी पकड़ के खोलना है, ये देखो ये खुल जाएगा, और ये तीसरे वाले को भी पकड़ के खोलना है। तो ये तीनों चीजें करने पे ये खुल जाएगा और साइड में इसका स्टैंड लग जाएगा। मैं खोल लेता हूँ क्योंकि चीज गलत तो ये खुद का नुकसान, तो चीज टूटेगी भी और प्लस खुद को चोट भी लग सकती है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। फिर से खुल गया और बच गया, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ, ये देखो ये मैक्सिमम खोलना है आपको, मिनिमम नहीं। अब ये है ना कम भी खुलता है, ये देखो ये कम भी खुलता है, ये कम हो गया। अगर कम खोलोगे तो ये बेस नीचे टकराएगा और ये थोड़े ऊपर हो जाएंगे, तो ये यूं यूं हिलेगा, तो आप ये मत समझना ये खुल गया। इसको मैक्सिमम खोलना जितना खुलता है, ये मैक्सिमम है। अब ये इतना स्पेस लेगा और ये बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, अब ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा और ये तीनों चीज नीचे जमीन पे आ जाएगी, जिससे बिल्कुल नहीं हिल पाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम आपको खोलना है, मिनिमम नहीं खोलना है, एक बार फिर से बता दिया। और नीचे से इसको पकड़ के खींचना है, एक खींच जाएगा तो बाकी सब आराम से खुल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब कैमरे में मैं पूरा नहीं आ पा रहा, उसके लिए माफी चाहूंगा। और इन चीजों का ध्यान रखना, ये हैवी भी है और बढ़िया चीज है ये, तो ये ग्रीन स्क्रीन में भी यूज हो जाता है, आपका रिंग लाइट में भी। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन अगर आप चेक करते हैं, मैं इसको नीचे ले आता हूँ क्योंकि अब सारे काम खत्म हो गए हैं। हाँ तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके काम की है। तो ये बेस्ट तरीका है यार हाथ से। तो अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो कोई आपको 5,000 का भी दे रहा है, कोई आपको 4,000 का, कोई 3600 का भी दे रहा है। कुछ अजोधी मार्केट से मुझे किसी ने 3,000 का भी बताया था और एक बंदे ने बोला 2,800, मैंने बोला दो लेने, कह रहा एक लो दो लो चार लो, प्राइस एक ही है, होलसेल मार्केट है। तो 2,800 रुपये में आपको स्टैंड भी मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर पूरे नॉलेज नहीं है बंदे को तो वो काट देते हैं,
आप चाहो तो 2500 से कम भी करवा सकते हो। हो सकता है कि मैं अभी लॉकडाउन के चक्कर में सारी दुकानें खुल रही नहीं थी तो मुझे थोड़ा महंगा मिल गया हो। अगर सारी दुकानें खुल रही होती डेफिनेटली इसका प्राइस और कम होता ही होता, उसको पता है इसके पास ऑप्शन नहीं है, मुझसे लेके जाएगा ही जाएगा। दो दुकान मैं पूछ चुका था, बाकी सारी दुकानें बंद थी, ठीक है, क्योंकि और जो खुली थी वो भी बंद करके जा रहे थे। जल्दी बंद करते हैं, 2-3 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो लॉकडाउन के बाद तो इजीली आपको मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी आप जाना मत। मेन चीज़ रह गई है प्राइस, मैंने आपको बता ही दिया, 2800 रुपये रिंग लाइट के। दो रिंग लाइट में लेके आया था ग्रीन स्क्रीन। अब ये ग्रीन स्क्रीन देखो, वहाँ से लोगे ना तो प्रॉपर जो ग्रीन स्क्रीन कलर यूज़ होता है वही आपको मिलेगा 8x12 का, ठीक है। ऑनलाइन मिलती है 350 रुपये की, कोई 450 रुपये की देता है, सही 350 की तो नहीं मिलती, सॉरी 450 रुपये से स्टार्ट होती है, 450, 550, 600 होती चीज़ सेम ही है, आपको अलग अलग चीज़ें बता देंगे इसमें, ये मिक्स है, वो मिक्स है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली है सिर्फ 250 रुपये की, मतलब ऑफलाइन लेने से मेरे को दो स्क्रीन मिल गई उसी रेट में, ठीक है। 2800 की मैंने ये बताई, 2800 की दो मैं लेके आया था, 250 के दो ये लेके आया था, एक मैं लेके आया था मेमोरी कार्ड। अब क्या हुआ, वो मुझे मेमोरी कार्ड महंगा दे रहा था 1400 रुपये का। उसने बोला भाई 150 MBPS की स्पीड है, 64 GB का है, ये 1400 रुपये का मिलेगा। अब मैं अगर इतना सामान ले रहा हूँ यार, ले ही लेता हूँ, पता नहीं कब आना होगा कब नहीं आना होगा मार्केट में, और वैसे भी अब कोरोना का सीजन चल रहा है तो बच के रहो, चीज़ें जितनी आप घर ले जाओगे उतना आप सेफ रहोगे, घर में बार बार आने जाना नहीं पड़ेगा। मैंने ले लिया था, लेकिन मेरा एक थोड़े देर के लिए ना दिमाग में ये आया यार, मैंने सब चीज़ें का प्राइस कंपैरिजन किया, इसका भी कर ही लेता हूँ। मैंने देखा 1250 रुपये का ऑनलाइन मिल रहा है सेम चीज़, मैंने बोला भैया ये आप वापस ले लो, मुझे नहीं लेना, 1400 रुपये आप दे रहे हो, 1250 तो ऑनलाइन ही मिल रहा है, ठीक है। तो उसने बोला अच्छा चलो मैं रेट पता करता हूँ, फिर उसने रेट पता करा, 1100 रुपये में दे दिया, 300 रुपये बच गए। तो कंपैरिजन कर लिया करो उसी टाइम पे आज के ऑनलाइन से आपके सामान का, कि यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन से वहाँ पे कम होगा तो ही लेना, बराबर होगा तो भी मत लेना, आपको मतलब काट रहा है। ऑनलाइन में तो महंगा मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसमें शिपिंग और कमीशन अमेजोन फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म की कमीशन उसमें इंक्लूड होती है, लेकिन यहाँ पे कमीशन और शिपिंग दोनों चीज़ बच रही है, तो ये सस्ता मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और माउंट मैंने आपको बताई दिया, एक 300 रुपये वाला माउंट लिया, एक 150 रुपये वाला, और इसके साथ क्या फ्री मिलता वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एक माउंट आता है और एक उसके साथ फ़ोन लगाने का आता है, और अच्छी बात खींचने वाला नहीं है, सिंपेक्स की LED लाइट, या तो सिंपेक्स की लो, मेरा सजेशन है, या फिर एक DigiTech की आती है वो लो, लो तो कंपनी की लो, वरना मत लो, फिर उसके ऊपर कंपनी की कोडेक की वगैरह की बहुत सारी आती है, वो भी आप ले सकते हो, लो चीज़ कंपनी की, क्योंकि ये चीज़ है लॉन्ग टाइम आपको यूज़ करनी है। अब ये सारी चीज़ें चलते चलते अब मैं आपको लाइट की रोशनी भी तो दिखाना बनता है ना। अब ये इतनी देर से नॉर्मल लाइट में आप देख रहे थे, अभी देखो सब कुछ ही बदल जाएगा। ये मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, देख रहे हो एकदम से, ओ भाई जज्बात बदल दिए। अब जो यूट्यूबर है उसके लिए तो यूट्यूब नॉर्मल वीडियो बन जाएगी। इसमें दो कलर भी आते हैं, इस टाइम येल्लो सो रहा है, वाइट भी आता है, और ब्राइटनेस भी बढ़ती है, इसके फीचर भी हैं, और जिसको ये बनाना है वो भी बन जाएगी, ठीक है। और अब मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ, ज़्यादा रही येल्लो हो गया, ये वाइट हो गया, ये पूरा वाइट हो गया, और ये ब्राइटनेस वाइट के खुल दी, ये ब्राइटनेस खुल दिया। अब मैं पीछे आता हूँ तो बहुत अच्छी लाइटनिंग इससे होने वाली है। और अगर मैं येल्लो की खोलता हूँ, अभी तो मैंने इसको एडजस्ट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि फ़ोन हाथ में है मेरे, थोड़ी सी येल्लो और थोड़ी सी वाइट में रखे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, पूरी येल्लो करूँगा तो कुछ पीला पीला सा लगेगा, फिर को अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है। बाकी बैक कैमरे से भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, वैसे अंधेरा दिखेगा आपको, आपको जो लाइट इसकी ब्राइटनेस है वो आपको कम दिख रही होगी, क्योंकि आपको पता है रोशनी वाली चीज़ को दिखाते हैं तो अंधेरा फील होता है, वही वाली चीज़ है। यहाँ पे ये वाइट हो जाती है, येल्लो हो गई, ये कंट्रास्ट बढ़ गई, ये कंट्रास्ट कम हो गई, ये देखो शुरू में लाइट दिखती है, फिर वो फोकस करता है तो कम कर देता है, लेकिन वो लाइट कम नहीं हो रही, इस टाइम भी लाइट जली हुई है, लेकिन आपको दिखा रहा है जैसे बंद हो गई हो।
तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, सेटअप चीज़ें पसंद आई। बाकी DSLR तो मेरा आपने नहीं देखी तो वीडियो जाके दे सकते हो, DSLR लिए तो 2 साल हो गए, वीडियो डली भी है चैनल पे, सब सीखे जाने, DSLR करके डालोगे तो सबसे ऊपर ही वीडियो आएगी। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते टिल देन बाय। रुको, अरे रुको यार, एक चीज़ तो भूल ही गया था, वीडियो इतनी लंबी हो ही जा रही थी, ये ट्राइपॉड भी तो लाया था मैं, तो इस ट्राइपॉड का प्राइस है 1200 रुपये, इसका मॉडल नंबर ये देख लो, और ये मैंने महंगा ले लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे शॉप वाले ने बताया भैया आपने महंगा ले लिया, क्योंकि मैं ट्राइपॉड शुरू में जाते ही ट्राइपॉड मैंने खरीद लिया था। अब 1200 का लिया तो कितना महंगा लिया होगा, 100-200 रुपये महंगा लिया होगा, इससे ज़्यादा सस्ता तो मिलेगा नहीं। ब्लैक कलर का अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, इसका मॉडल नंबर वगैरह देख लेना यार क्या है। बाकी ट्राइपॉड तो ट्राइपॉड है, इसको क्या खोल के दिखाऊं, सेम वैसा ही है, उसी वेट में है जो मेरे पास ऑलरेडी है। एक बार ही ट्राई कर लेते हैं, खुला हो तो कहीं से, यार पॉली बैग में है, छोड़ो इसको क्या खोले, छोड़ो ही बोल रहा हूँ, खोले भी जा रहा हूँ। ये रहा मॉडल नंबर, ढूंढ रहा था मैं, SL 3600, ऑनलाइन देख लेना प्राइस क्या है, मैं 1200 का लाया हूँ, अगर ऑनलाइन प्राइस 1200 है तो मैं समझूंगा मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर अगर 1200 से कम ही मिलेगा ऑनलाइन, अगर 1200 है तो 200 रुपये मार्जिन कम लेके चलो, ठीक है। आगे उस पर भी शिपिंग लगती है, ऑनलाइन मंगाते तो 1400 का पड़ता है, अगर 1200 का होता तो ये सारी चीज़ें। वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं, टिल देन बाय।